नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आपको दिखाते हैं अहम खबर। उत्तराखंड के सबसे चर्चित आईएएस अधिकारियों में गिने जाने वाले दीपक रावत को लेकर चर्चाओं का बाजार शांत हो गया है। आईएएस दीपक रावत ने करीब एक सप्ताह बाद ऊर्जा निगम और उत्तराखंड विद्युत पारेषण निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार बीते कुछ समय में काफी बार बड़े स्तर पर अफसरों के तबादले कर चुकी है। इसी कड़ी में कुंभ मेला अधिकारी रहे आईएएस दीपक रावत को भी नई जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें ऊर्जा के दोनों निगमों का प्रबंध निदेशक बनाया गया था। पूर्व में नैनीताल और हरिद्वार के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी निभा चुके दीपक रावत इस पदभार को ग्रहण करने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे थे, लिहाजा इस बारे में बीते दिनों से काफी चर्चाएं भी जोरों पर थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वो इस बारे में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से भी चर्चा कर चुके थे। हालांकि माना तो ये भी जा रहा था कि ऊर्जा मंत्री डॉक्टर रावत विभाग में हुए उक्त फेरबदल से खुश नहीं है, लेकिन अब सोमवार को दीपक रावत द्वारा पदभार ग्रहण करने के साथ ही सारी अटकलों पर विराम लग गया है। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा विभाग में और भी दायित्व बदले गए हैं। सचिव राधिका झा से ऊर्जा विभाग का दायित्व हटाकर सचिव सौजन्या को सौंपा जा चुका है। राधिका झा के अवकाश में होने की वजह से सौजन्या ऊर्जा विभाग का एक तरफा दायित्व ले चुकी है। लाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।